पिक एंड चूज कर रहा हूँ और आप कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं प्रियंका जी, आप बीजेपी पर बोल रही हैं, आप कांग्रेस पर नहीं बोल रही हैं। आप इनसे पूछिए क्यों मैं बोलूं, मैं बीजेपी से ही सवाल करूंगी। मेजोरिटी में छगन भुजबल साफ कैसे हो गए, ये सवाल मैं कांग्रेस से कैसे करूं, ये सवाल तो मैं भाजपा से ही करूंगी ना। डन, तो इनसे पूछिए छगन भुजबल साफ कैसे हुए, उसमें सारे जवाब मिलेंगे आपको। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी छगन भुजबल वाला हिसाब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कर दीजिए हिसाब। देखिए इन्होंने घटिया शब्द का प्रयोग किया, चूंकि ये चोरकट चिरकुट पार्टी के लोग हैं इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बाकायदा। हम सबको, मनीष सबको, प्रेम जी आपको भी और सबको, हम सबको भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, सही भाषा का इस्तेमाल करें। इसलिए चोरकट चिरकुट पार्टी कहा, आप बोलेंगे घटिया शब्द का प्रयोग किया, शोभा नहीं देता, कहा कि मैं घटिया हूँ तो चोरकट चिरकुट झूठी लंपट इस तरह की पार्टी आपने पहले बोला, और जो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहने की लंपटता दिखा सकता हो ब्रिजभूषण क्या कह सकते हैं जी, जो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बोलने की झूठ बोल सकता हो, जो कल तक अबे मेरे बीच में बोल रही भाई साहब गौरव जी, ये क्या तरीका है, नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोलेगा बीच में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बीच में तो कोई नहीं बोलेगा, बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोलिए प्रेम शुक्ला, छगन भुजबल सुप्रीम कोर्ट बाकायदा बता रहा है कि बाकायदा मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया का दिखाई देता है, संजय सिंह का दिखाई देता है, और सत्येंद्र जैन जो कल तक कहते थे कि हम लोकपाल लाएंगे और जिस पर आरोप लग जाए उसको त्यागपत्र देना चाहिए, इनका जेल मंत्री जेल चला गया उसके बाद छगन भुजबल पर हिसाब नहीं हुआ। प्रेम जी वो हिसाब करिए ताकि डिबेट आगे बढ़े, सब जानते हैं कि छगन, हाँ हाँ छगन, छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है एक बात, और किसी के मामले में अगर अदालत कोई फैसला लेती है तो अदालत का अधिकार है वो, और वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उन पर सिद्ध है, फिर बोलने लगी बीच में। अच्छा करप्ट हैं क्या वो, एक मिनट प्रियंका मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछेंगी तो कहेंगे आप मत पूछिए, थैंक यू। करप्ट हैं क्या वो छगन भुजबल, करप्ट हैं क्या प्रेम जी, उन पर आरोप है, नहीं उन पर करप्शन के आरोप है, और करप्शन के आरोप के तहत उन पर बाकायदा, यानी अदालत साबित करेगी ना प्रेम जी, जिस पर आरोप है ये अदालत से साबित होगा कि वो करप्ट है या नहीं, यही तो कह रहे हैं ना, करेगा ना ये आप कह रहे हैं ना, तो फिर आप भ्रष्टाचारी क्यों कह रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की दीमक क्यों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, कोट कर रहा हूं गौरव भाटिया पापी पापी आपके कन्वीनर क्यों कहते हैं, आरोप लगाते रहे हैं, नहीं इसलिए कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अदालत चले जाए ना गौरव भाटिया के खिलाफ, अरुण जी आप तो पार्टी विद डिफरेंसेस है ना, चाल चरित्र अलग है केजरीवाल से, प्रेम जी नाक रगड़ के चाल पकड़ अलग है सबसे, अरविंद केजरीवाल ने नाक रगड़ के कान पकड़ के नितिन गडकरी से माफी मांगी कि नहीं मांगी, नहीं मांगी माफी, इनमें दम है, माफी उन्होंने मांगी, जाए ना गौरव भाटिया के, नहीं माफी मांगी उन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यही चीज कर रहे हैं, प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए, अगर वो यही चीज कर रहे हैं तो आप तो चाल चरित्र चेहरा अलग होने वाली पार्टी है ना, पार्टी विद डिफरेंसेस है, नहीं हम तो चाल चरित्र चेहरा सही है ना हमारा, तो आप फिर तो क्यों कह रहे हैं वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, एक झूठन जो है मुझे घटिया कह देती है, नहीं नहीं बिल्कुल हम, अरे इतने करप्ट लोगों को कौन अनुसरण कर सकता है जी, पाठशाला को मधुशाला खोलने वाला दारू लक्ष्मण की पार्टी बताएगी कौन करप्ट है। अच्छा अभय दुबे कुछ कहना चाहते हैं, अभय दुबे कुछ कहना चाहते हैं, अभय दुबे बताइए, अभय दुबे आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत, क्या हुआ, जिस पार्टी का, सुनिए प्रेम जी अभय दुबे को सुन लीजिए, राशन कार्ड जैसे शब्द को बदनाम कर आपने ले लिया राशन कार्ड, एक मिनट निकाल दिया, एक मिनट विचार कर दे, अभय दुबे का टर्न है, अभय दुबे का टर्न है, अभय दुबे का टर्न, अभय दुबे बोलिए, गौरव जी चाल तो देख ली कैसी बहकी बहकी है, और चरित्र जो विरासत में मिला है ना, जिसका जिक्र ये कर रहे थे वो दिलीप सिंह जूदेव का डायलॉग था, अब चरित्र तो माधवन की अम्मा ही बताएंगी, माधवन जैसे बलात्कार के अभियुक्त को पालने वाली सोनिया गांधी को बोलने का कोई औचित्य है क्या, आप बीच में आप बोल रहे हैं, माधवन जैसे बलात्कार के अभियुक्त बीच में आप बोल रहे हैं, मैं तो अकेला हूँ और मुझ पर तीनों आरोप लगा रहे हैं, देखिए गौरव जी अन्याय तो आपकी तरफ से है कि आप तीन लोगों से आरोप लगवा कर मुझे अकेले जो है बोलने का अवसर भी नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं, मेरे पास क्या विकल्प है सर, सब या तो आप सबके बाद मुझे कौन कितना बोला ये सब गिना जा रहा है, और आपको पूरा मौका मैं दे रहा हूं और आगे भी मौका दूंगा आप पे आरोपों की सफाई देने के लिए, अभी पूरा मौका दूंगा प्रेम जी, एक तरफ पूरा मौका दूंगा वाला अकेला, नहीं नहीं तो ये तो आपने क्रिएट किया सर, ये तो आपका क्रिएट किया हुआ है,
बीजेपी के आगे और कौन है बीजेपी के साथ में, ना आगे है ना कोई पीछे, और बीजेपी का गेंद सब है तो वो तो पैनल में भी दिखेगा ना सर, टिकट लेती है सोनिया गांधी, वो तो पैनल में भी दिखेगा। विजय मल्या को लोन देते हैं मनमोहन सिंह और विजय मल्या पर आरोप कौन झेले, प्रेम जी आप, प्रेम जी आपने अपनी बात कह दी, प्रेम जी आपने अपनी बात कह दी, अब अभय जी को बोलने दीजिए, और जब अगर वो सवाल आप पर आएगा तो मैं कहता हूँ मैं आपको बोलने का और मौका दूंगा, अभी डिबेट खत्म नहीं हुई है, मैं आपको मौका दूंगा, आप बोलिएगा। अभय जैसे बलात्कारी को ऐसे बलात्कार की अभी शिकायत भी बनी रहेगी, अभय सोनिया गांधी करती है, संदीप सिंह जैसे जो महिला उत्पीड़न के अभियुक्त को प्रियंका इतना क्यों पाले पड़ी है ये मैं पूछूं, उत्तर दे दे अगर हिम्मत हो, हिम्मत हो तो अभय तुम्हें उत्तर दे दे, ओके दीजिए उत्तर अभय जी, अभय जी उत्तर दीजिए, हिम्मत तो उत्तर दे दे, देखिए इनका कितना, इनका चरित्र सुन लीजिए, जिस पर तीन दिन है हिम्मत तो उत्तर दीजिए अभय जी, निर्भय होकर वो अभय जी उत्तर दे, वो अजीत पवार को शामिल करते और सिर्फ शामिल नहीं करते, पकड़ के मैया निकाल दे, उन पर जो सोनिया अम्मा कान पकड़ के जुलाई 2021 में, अरे बताइए ना माधवन पे आरोप लगाया था, बोलिए वो चार्जशीट पे उनका नाम ड्रॉप कर देते, अब निकल ही नहीं रही आवाज, पत्नी का बहरा हो गए, अब तो नाम जुड़ता है, अब तो बोले तटकरे उनकी बेटी अदिति तटकरे को जी माधवन, अब दाऊद इब्राहिम जी माधवन आतंकवादी देश के खिलाफ काम, अभय जी माधवन हो सकता है उस आतंकवादी का साथी बाग मिर्ची, उसके साथ आरोप लगाते थे प्रफुल्ल पटेल पर, संदीप सिंह उसको भाजपा की साथ साझी सरकार में शामिल कर लिया, अच्छा प्रेम जी, प्रेम जी ओके, प्रेम जी अब बोलने दीजिए, प्रेम जी, प्रेम जी आपने बहुत उनको पूछ लिया, आप बोलने दीजिए, ये शीर्ष से पोर तक भ्रष्टाचार में डूबे बलात्कारी, जवाब नहीं निकल रहा है, जिनको बचाने में दिन रात, जवाब नहीं निकल रहा है इनका, बोगला पोर्टल देखिए, प्रेम जी प्लीज, प्रेम जी प्लीज, प्रेम जी प्लीज प्लीज तो बोलने दीजिए, हो सकता है जवाब आगे आ जाए, बोलने दीजिए, आपको मौका दूंगा मैं प्रेम जी, अबे दुबे रुक जाइए एक मिनट, अबे दुबे एक मिनट रुक जाइए, अबे दुबे एक मिनट रुक जाइए, प्रेम जी आप प्लीज रुक जाइए, अबे दुबे को बोलने दीजिए, आपको आगे मौका दूंगा, अबे दुबे बोलिए, कर्नाटक जवाब नहीं आएगा, मैं रुक जाता हूँ, जवाब नहीं आएगा, जवाब आएगा, जवाब आगे आएगा, सुन लीजिए, बोलिए अबे दुबे, मोदी जी गहरी नींद में सो गए, हमने कहा नहीं मैं कोई ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो चुनाव है, कितने भी भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे, आप शर्मनाक बात देखिए, कई दिन तक बलात्कारी भाजपाई सत्ता की सरपरस्ती में बनारस के जो बीएचयू का कांड हुआ उसमें घूमते रहे, प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया उसका, उनका संसदीय क्षेत्र था, जितने बड़े आरोप इन्होंने लगाए जिस पर उतनी मजबूती से उसको शामिल कर लिया, मैंने एक के बाद एक नाम गिना और 25 ऐसे नामों की लिस्ट है जिन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और गंभीर केसेस, ईडी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करी, आप प्रताप सरनाइक का ट्वीट देखेंगे तो चौंक जाएंगे, उन्होंने कहा 1150 और एक जो भावना गवली का मैं जिक्र कर रहा था उसके सईद खान को पकड़ लिया इन्होंने, उसके बाद उनको उसको अपनी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की साझी सरकार में शामिल कर लिया, शर्म नहीं आती इनको,